फूड ट्रक का उद्घाटन बहुत ही एक खास मकसद से किया गया है, ट्रांस कम्युनिटी जो हमारे देश में है उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको सोसाइटी में इंक्लूड करने के लिए। एक सिंबल है एक तरह का, लेकर एक धारणाएं बनी हुई हैं जो मिटानी होंगी। ये फूड ट्रक का उद्घाटन बहुत ही एक खास मकसद से किया गया है, ट्रांस कम्युनिटी जो हमारे देश में है उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको सोसाइटी में इंक्लूड करने के लिए। एक सिंबल है एक तरह का, छोटा सा कदम है। हम चाहते हैं कि और भी लोग आगे आएं, मेरी तरह जो ओपिनियन लीडर्स हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, उनके समाज के प्रति संवेदनशील हैं, वो आगे आएं और इनको हेल्प करें। और वही नहीं बल्कि आम जनता भी जो इनका फूड कंज्यूम करेगी, और उनको भी बढ़ चढ़ कर इनका इनका उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। देखिए, ऐसा है, मांगते इसलिए क्योंकि इनको कोई काम पर रखता नहीं है। ये बहुत ही एक अंडर प्रिविलेज्ड और एक तरह से इनविजिबल कम्युनिटी है हमारे देश में। तो इनको अगर काम, सेल्फ रिलायंस जो है, अगर इनको उनको मिले, इनको काम मिले, तो भगवान ने इनको भी उतना ही दिमाग दिया है जितना मतलब आपको और मुझे दिया है, तो उसमें कोई कमी नहीं है। पर एक तरह का टैबू है हमारे समाज में, इनको लेकर एक धारणाएं बनी हुई हैं जो मिटानी होंगी। एक पहला स्टेप है, एक मुहिम है ये फूड ट्रक के थ्रू, कि जब ये सेल्फ रिलायंट होंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, तो शायद इनका एक समाज में एक जगह बने। उन्हीं दौरान फिल्म भी बन रही थी सर की, आयुष्मान खुराना जी की, चंडीगढ़ करियाश की, तो चंडीगढ़ में ही वो शूटिंग थी। ललित होटल में मुझे भी बुलाया था, तो मेरे दिमाग में एकदम से आया कि आप सर से बात करिए कि वो हमें हेल्प कर सके यहाँ पर। तो मैम ने बात किया आयुष्मान खुराना जी से, और आयुष्मान खुराना जी बिकॉज वो भी स्कूल के एलुमनाई रहे हैं, एक स्टूडेंट थे, पहले पढ़ते रहे होंगे, तो वो जानते थे मैम उनसे। उन्होंने उनसे बात किया और उन्होंने यस कर दिया तुरंत। तो फिर मेरे से पूछा गया कि आपको काम क्या करना है, तो हमने सोचा कि ये फूड ट्रक जो है ना, ये विजिबल रहेगा। अगर हम शोरूम में काम करें तो ये मूवेबल नहीं है, मतलब हम पब्लिसिटी नहीं होती, पब्लिसिटी मतलब अवेयरनेस हमें चाहिए कि लोग देखें, आए और हमें जानें। और जो हमारे समाज के बीच में जो डिस्टेंस है और बहुत सारी जो अंधविश्वास है वो खत्म हो, और हम समाज में हमारा इंक्लूजन हो, तो इसलिए हमने ये फूड ट्रक का जो है वो उनको बोला। यस, एंड उन्होंने मान लिया था। और इसमें काफी खर्चा आया, मतलब ये 10-12 लाख का खर्चा आया, तो वो सारा उन्होंने ही डायरेक्ट वेंडर को पे किया, और ये गाड़ी हमारे पास आई। उसके बाद फिर हम काफी जगह पे सर्च करते रहे जगह के लिए, फाइनली हम जीरकपुर में जो है यहाँ पर हमने मिला है जगह।